हेलो डियर, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग बीज गणितीय फार्मूलों को। तो पहला फार्मूला हम देखते हैं डियर कि होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का डियर होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, और प्लस क्या बनता है टू ए बी, और प्लस क्या बनता है बी का स्क्वायर। क्लियर डियर आप लोगों को? तो इस केस में ये कैसे आता है, इसको हम लोग सिद्ध भी कर सकते हैं। तो सिद्ध कैसे करते हैं डियर, देखते हैं उसको। तो जस्ट लाइक अगर हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर डियर हमारे पास हो चार का स्क्वायर, क्या दिया हो चार का स्क्वायर। तो चार का स्क्वायर डियर हम जानते हैं कि होता है चार गुण क्या होता है चार इक्वल टू हमारे पास आता है ये 16। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो सिमिलरली हमारे पास क्या दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर डियर करेंगे आप लोग तो आ जाएगा आप लोगों के पास एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में क्या आ जाएगा ए प्लस बी। आई होप क्लियर हो रहा होगा। इस केस में अब इसका गुणा कैसे करते हैं डियर, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो गुणा के केस में डियर सबसे पहले क्या करेंगे, इस ए का गुणा क्या करेंगे, सबसे पहले इसी में करेंगे। सिमिलरली इसी ए का गुणा किस में करेंगे, हम लोग बी में करेंगे, और पुनः इस बी का गुणा क्या करेंगे, इस ए में करेंगे, और पुनः इस बी का गुणा इस बी में कर देंगे। ओके, तो इस केस में हम गुणा करेंगे ए का गुणा ए में करेंगे डियर, तो ए गुणे ए आएगा हमारे पास ए का स्क्वायर। क्लियर आप लोगों को? और सिमिलरली ए का गुणा बी में करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर प्लस ए बी। क्या आएगा डियर, ए प्लस का ए बी। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी क्या है प्लस है, तो ये आ जाएगा प्लस ए बी। पुनः हमने बताया आप लोगों को बी का गुणा किस में करेंगे, ए में करेंगे, तो इस केस में बी का गुणा ए में करेंगे तो हमारे पास ए बी आ जाएगा प्लस का बी ए, अथवा इसी को हम लोग बोल सकते हैं ए बी। क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकल टर्म में सबसे पहले कौन सा आता है ए आता है, तो इस केस में ए बी हो गया। अब पुनः बी का गुणा बी में करेंगे डियर तो हमारे पास हो जाएगा बी का स्क्वायर, और इस केस में जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर और प्लस ए के बी, और ए के बी क्या आ जाएगा हमारे पास टू ए बी। तो इस केस में हो गया टू ए बी और प्लस क्या हो गया बी का स्क्वायर। इट मीन्स जो ये फार्मूला आप लोग दिखे हैं डियर, पहला फार्मूला, इस फार्मूले को यहाँ से आप लोग डिराइव कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप ये पूरा ढंग से क्लियर कर ली हूँ। क्लियर आप लोगों को? तो देखते हैं इसी के क्रम में दूसरा फार्मूला डियर। तो दूसरा फार्मूला हमारे पास बनता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है डियर ए स्क्वायर, और माइनस क्या बनता है टू ए बी, और प्लस क्या बनता है बी का स्क्वायर। क्लियर आप लोगों को? तो सिमिलरली इसी प्रकार अगर इसका भी कैलकुलेशन करेंगे तो इसी फार्मूले में हम लोग इसको फार्मूलेट कर सकते हैं। तो यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी क्या है प्लस है, बस क्या कर देंगे माइनस का ए बी, और ए बी माइनस का जाएगा, और माइनस माइनस को आपस में क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, तो ये हमारे पास टू ए बी प्लस किसका आ जाएगा माइनस का। आई होप ये भी आप लोग कर सकते हैं। तो सिमिलरली जो तीसरा फार्मूला डियर बनता है हमारे पास वो होता है ए स्क्वायर माइनस क्या बनता है बी के स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या है कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में क्या आ जाएगा ए माइनस बी। क्लियर है आप लोगों को? तो ऐसे भी क्या कर सकते हैं आप लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, यानी इन दोनों का अगर मल्टीपल हम करते हैं डियर तो ये वाला टर्म हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है आप लोगों को?